ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये क्लासेस आप अपने सेलफोन से भी ले सकते हैं और अपने सिस्टम से भी ले सकते हैं जूम ऐप के थ्रू। और ये क्लासेस आपकी लाइव होगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी सर। जो भी चीजें होगी, जैसे मैंने आपको एक्सेल खोला, जो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा वो लाइव दिखेगा। अब यूट्यूब में जितने भी वीडियो देखते हैं ना सर, मेरे सारे लाइव क्लासेस वीडियो है, ठीक है, जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं उसी की वीडियोज हैं। और जो इवेंट करूंगा, जो भी कोड लिखूंगा, हर एक चीज लाइव आपको वहां पे दिखेगी। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे साथ लाइव पूछ सकते हो, ओके। और जहां तक कोर्स की बात करूं, तो आपने मेरी वेबसाइट iptindia.com विजिट किया था, तो कौन सा? दो कोर्स है, एक हमारा कोर्स है एमएस एक्सेस, दूसरा है एक्सेल और वीबीए। तो आप एक्सेस वाला पार्ट करना चाहते हैं? ओके, तो आप ये इसको नहीं करना चाहते, एमएस एक्सेल को? हाँ, एमआई देखिए, मेरे पास तीन अलग अलग कोर्सेज हैं। चौथा कोर्स लेते हैं तो इसमें आपका पास एक्सेल आएगा, उसके बाद वीबीए प्रोग्रामिंग आएगा, एमएस एक्सेस डेटाबेस आएगा, एंड डैशबोर्ड्स एंड एनालिसिस आएगा। ये तकरीबन 100 घंटे से 120 घंटे का प्रोग्राम है, ड्यूरेशन एवरेज है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें तीनों, ये चौथा ये भी है, ठीक है। हाँ, ये भी है। आप इस पे क्लॉक क्लिक कीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सारे कोर्स कंटेंट दिख जाएंगे। ऐसे इसकी अपडेटेड कोर्स कंटेंट हम आपको मेल कर दे, ये व्हाट्सएप कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ, बस मिल जाओ। हाँ जरूर जरूर, और जरूर। और और दूसरी चीज, एक चीज जान लीजिए कि जो क्लासेस हम दे रहे हैं ना सर, तो इसमें आप अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट को भी मैं सम्मिलित कर सकता, ऐड कर सकता। आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसी चीज जो कि मेरे कोर्स में नहीं है आपको ऐड करना है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ जी, आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को इसमें कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइमिंग की, तो आपकी शिफ्ट कौन सा, अभी शिफ्ट कौन सा चल रहा है, तो कितने दिन तक चलेगा? ओके, तो आप इवनिंग में कितने बजे तक चलाते हैं? इवनिंग में कब तक चला, इवनिंग में 5 बजे तक आ जाते हैं? आप तुमने आपको जैसे पता कंप्लीट कोर्स लेते हैं, तो क्या करना है, कंप्लीट कोर्स करना है या फिर से बीबीए करना है? ओके, 6 बजे आपको चाहिए, राइट?
ठीक है, नहीं शाम को फिलहाल टाइम नहीं है कोई सर, शाम को सारा टाइम भी फिक्स है, मंडे टू फ्राइडे। हाँ सैटरडे संडे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं 6 टाइम मंडे को आपको दे देते, राइट। हाँ मंडे से शाम को 6, ठीक है। कुछ आप जरूर जरूर जरूर, आप स्क्रीन भी दिख रही होगी आपको, एक नोट पैड रखिएगा, नोट पैड में आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट कर लीजिएगा बस। ओके, उसके बाद हर क्लास, जो भी क्लास हम कनेक्ट करेंगे उसकी लाइव, उसकी रिकॉर्डिंग लाइव रहेगी, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग, देखिए सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और इसमें एक और फ्री है, फ्री रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी, जैसे इन फ्यूचर में आप वापस रीज्वाइन करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और एनरोल की बात है कि कोर्स को कैसे एनरोल करोगे, तो उसके लिए आप जो है दो चीजें हैं, अगर आप पेमेंट फोन पे, गूगल पे या इसे करना चाहते हैं पेटीएम से, तो इस नंबर पे कर सकते हैं, गूगल पे या पेटीएम इस नंबर पे कर सकते हैं, और फोन पे के लिए दूसरा नंबर है, ये वाले नंबर है जिससे हमें व्हाट्सएप हमारी चल रही थी ना सर। और बाकी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस कोर्स की इमेज पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उसी में यहाँ पे एनरोल दिस कोर्स होगा, इस पे क्लिक करेंगे और ये सीधे मेरे पेमेंट गेटवे पे आपको मूव कर देगा, जहां पे आप फिल करके पे कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग लेता है, समझ गया सर। मैंने आपको बताया ना कि आप अपने आपकी कोई भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो आप कोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हो सकता है कि मुझे उसके बारे में अगर पता ना हो तो हम टाइम लेंगे और उसको रिसर्च करके फिर आप बताएंगे। और यही बात, मैंने अभी तक 54,000 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ा रखा है, तो मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूं कि आपको सारी चीजें जो आप चाहते हैं पढ़ा सको सर, ठीक है। तो आप मेरे वेबसाइट ipindia.com पे जाके आप, या फिर फोन पे, गूगल पे के जरिए आप इनरोल कर लीजिए कोर्स को, और मंडे से हम आपको टाइम 6 बजे का दे देते हैं। या राइट, एबीसीडी से स्टार्ट होगा, नहीं सर 1 साल, पहले 1 साल सिखाएंगे फिर रिव्यू, देन 1 साल, देन डैशबोर्ड, ठीक है। आ रहा है कंप्लीट कोर्स की बात हुई है ना, 15,000 लगेगा सर उसके लिए, चार सर। नहीं सर, इसमें क्या है कि रीज्वाइनिंग फ्री होता है, जैसे कि आपको अगर कुछ भी इन फ्यूचर में मान लीजिए भूल गए, इतने सारे चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगता है सारी चीज याद रहेगी और इतनी चीज आप भूल जाओगे, तो 6 महीने या सालों बाद आप अगर दोबारा से हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोबारा से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट, उसके बाद इसमें आपको टेलीफोनिक सपोर्ट एंड ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है, जैसे काम करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फटाक से मुझे फोन करोगे, कैसे बता दो, अगर मैं फ्री रहा और वो प्रॉब्लम फोन पे सॉल्व हो सकती है तो मैं उसी समय आपको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी आप मुझे 2-3 बार फोन करके प्रॉब्लम सॉल्व के लिए पूछे होंगे। उसके अलावा अगर मुझे लगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और मैं बनाते रहता हूँ, आप देखते होंगे चैनल पे बहुत सारे नाम लिख के देता हूँ कि मिस्टर प्रेम शर्मा का, एस विनायक का प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ। हाँ मैं इसलिए तो मैंने आपको वहां पे बताया कि देखिए क्या होता है कि एक्सेल तो चाहिए चाहिए, प्रिज्म चाहिए, एक्सेल तो चाहिए चाहिए, उसके बाद अब अगर आपका काम ज्यादा है
तो आपको वीडियो भी चाहिए होगा। अगर काम मेहमान के दिन में तीन चार रिपोर्ट ही बनाते हो आप, अब बाकी जो भी जो थी एक्सेल ही काफी है, लेकिन आपको एक्सेल पे काम ज्यादा है तो वीवी की जरूरत पड़ेगी ऑटोमेशन के लिए, कि जो काम रिपीटेड है उसको हम ऑटोमेट कर सकते। हाँ, इसी तरह आपको बोला ना आपको सर, और एक्सेल क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सेल का काम ऐसा है जो कि एक्सेल में लेंदी है बट एक्सेल को आसान कर देता है। और ये आपका जो लास्ट जो चौथा कोर्स है डैशबोर्ड का एनालिटिक्स का, ये क्या है, ये समझिए कि आपका एक तरह से इंटर्नशिप होता है ना सर, सब कुछ सीखने के बाद आप जानते हैं कि भाई क्या करना है, तो ये आपके साथ इंटर्नशिप है जिसमें हम आपको 15-20 ऑटोमेटेड रिपोर्ट को ऑटोमेट करना सिखाएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम है, चलिए इसको ऑटोमेट करते हैं। उसमें हम वो सारी नॉलेज जो सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है।